फारबिसगंज के मध्य विद्यालय मौना में डीएम भोजन में सांप निकला है, जिसके खाने से तकरीबन 100 स्कूली छात्र छात्राएं बीमार हो गए हैं। आनन फानन में सभी को फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। एमडीएम भोजन को एक एनजीओ ने सप्लाई किया था। सूचना के बाद फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी, एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलबेला सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और बीमार बच्चों को देख उनके इलाज के लिए चिकित्सकों को निर्देश दिया। सांप जो है एक मध्याह्न भोजन के समय खाना में गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है और सीझा हुआ सांप जा रहा है। इसमें हो सकता है जो अब किसकी गलती है या जो लोग किचन का भार लिए हुए हैं, इन लोगों का जो है क्या रोल रहा है। जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, रसोईया जो काम कर रहे थे, वो लोग जो है इतना बड़ा सांप जो दिखाई पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि जो है कहता छोटा मोटा सांप था। तो ये सारा चीज़ को ध्यान में रखने का चीज़ है। सच्चाई क्या है वो जानकारी करने के बाद ही पता लग पाएगा। कार्रवाई देखने को मिल रहा है, मिड डे मील में सांप निकला है, जिसके खाने से तकरीबन 100 स्कूली बच्चे बीमार हो गए हैं। आनन फानन में सभी को फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल लाया गया, तस्वीरें आपके सामने, और यहां इनका इलाज चल रहा है। एमडीएम भोजन को एक एनजीओ ने सप्लाई किया था। सूचना के बाद फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी, एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलबेला सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और बीमार बच्चों को देख उनके इलाज के लिए चिकित्सकों को निर्देश दिया। ये बीमार बच्चे तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, इन्हीं के मिड डे मील में सांप निकला था, जिसके बाद इसको खाने से बच्चे बीमार पड़ गए। फिलहाल अस्पताल में इलाजरत हैं।